हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश में हमारा यूनिट 11 शुरू है। इसमें हम एक्टिविटी में फॉर में रीड दिस एंड की पेज नंबर 98 आए। हैव यू एवर लुक्ड अप इनटू द नाइट स्काई एंड वंडर जस्ट हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन स्पेस। आपने कभी ऐसा सोचा है, देखा है कि नाइट में स्काई में जो स्टार्स होते हैं वो कितने हैं, कितने स्टार्स हैं अंदर आकाश के अंदर? ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज फैसिनेटेड साइंटिस्ट एज वेल एज philosophers, musicians and dreamers throughout the ages। ये जो question है कि आकाश में कितने stars है, वो कितने हैं आकाश में stars, वो count करने में astronomer, philosopher, musicians, dreamers की age निकल गया, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए कि कितने stars है। Stars are not scattered randomly through space। They are gathered together into vast groups known as galaxy। Stars जो है वो अलग अलग बिखरे हुए नहीं होते, लेकिन वो एक groups में होते हैं। Group होता है उनका, जिसे हम galaxy बोलते हैं, star के group को। The sun belongs to a galaxy called the Milky Way। Sun किससे belong करता है? Galaxy से belong करता है, okay? तो इस galaxy को क्या बोलते हैं? Milky Way। यानी गैलेक्सी को भी आकाशगंगा बोलते हैं और मिल्की वे को भी आकाशगंगा बोलते हैं, लेकिन गैलेक्सी को दूसरे नाम से मिल्की वे से जाना जाता है, यानी कि आकाशगंगा। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट देयर आर अबाउट 100,000 million स्टार्स इन द मिल्की वे अलोन। एस्ट्रोनॉमर यानी कि जो खगोल शास्त्री, वो कहते हैं कि जो एक जो मिल्की वे होता है, एक मिल्की वे यानी कि एक गैलेक्सी होती है, इसमें कितने स्टार्स होते हैं? 1,000 million स्टार्स होते हैं। आउटसाइड दैट देयर आर मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज आल्सो। ऐसे एक गैलेक्सी में इतने हैं, तो दूसरी गैलेक्सी में भी ऐसे मिलियंस अपॉन मिलियंस होते हैं स्टार्स। इट हैज बीन सेड दैट काउंटिंग द स्टार्स इन द यूनिवर्स इज लाइक ट्राइंग टू काउंट द नंबर ऑफ सैंड ग्रेन्स ऑन अ बीच ऑन अर्थ। यानी कि जो यूनिवर्स एंड वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड है, इसमें जो स्टार्स को काउंट करते हैं, तो जैसे कि काउंट करना हो, तो जैसे कि जो हमारे बीच का जो टच होता है, इसके ऊपर जो ग्रेन सैंड ग्रेन्स होते हैं, यानी कि सी की जो रेन मिट्टी जो होती है, वो मिट्टी के जो कण होते हैं वो काउंट कर सको, ऐसा काउंट करना जैसे बराबर होता है। वी माइट डू दैट माई मेजरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बीच एंड डिटरमाइनिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ द सैंड लेयर। जो ये मेजरिंग है स्टार को गिनने का, माप कैसा है, जैसे कि सी की जो डेप्थ होती है, ऊंडाई जो होती है, वैसे नापते हैं, वैसे मेजरमेंट होता है इसका, लेयर जो होता है ना सी का, वैसा। डिड यू नो, क्या आप जानते हो? पिक्चर दिखाई देता है ना आपको? यस, अब देखते हैं पैराग्राफ। इन 1995 An image from the Hubble Space Telescope suggested that star formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago। जो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये क्या है? HST है, यानी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप है। इसने सजेस्ट किया था कि जो स्टार्स है वो 7,000 million years ago के है। ये द पिक्चर शोज सैटेलाइट मैपिंग ऑफ अवर मिल्की वे। आकाशगंगा में जो ये पिक्चर जो है वो आकाशगंगा में सैटेलाइट के आधार से मैपिंग हो रहा है आकाशगंगा को मिल्की वे की। ओके, दिखाई देते ना आपको HST, हबल स्पेस टेलीस्कोप, शॉर्ट फॉर्म है HST। रीड एंड एंजॉय।
फ्लावर ये एक पोएम है, लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट। प्लग यानी कि लिटिल फ्लावर, जो छोटा सा फ्लावर फूल है उसे प्लग करो यानी कि काटो तोड़ो और उसे पकड़ लो। डिले नॉट, देर मत करो। आई फियर लेस्ट इट ड्रूप एंड ड्रॉप इन टू द डस्ट, मुझे डर है कि ये ड्रूप यानी कि सूखा सूख न जाए और ये है सूख के वो नीचे गिर के मिट्टी में धूल में मिल जाएगा। आई मे नॉट फाइंड अ प्लेस इन योर गार्डन बट ऑनर इट विथ अ टच ऑफ पेन फ्रॉम योर हैंड एंड प्लक इट, मुझे आपकी गार्डन की तो माला की तो पता नहीं है लेकिन मैं आपके हाथों से टच होना चाहता हूँ एंड पकड़ लेना पकड़ा जाना चाहता हूँ यानी कि उठा लेना चाहता हूँ। आई फियर लेस द डे एंड डे बिफोर आई एम अवेयर एंड टाइम ऑफ ऑफरिंग गो बाय। आई फियर लेस द डे एंड डे, जब दिन खत्म होता जाता है तब तब मैं खोया जाता हूँ। आपको ऑफर है कि आप मुझे पकड़ लो वरना मैं खो ना जाऊँ। दो इट्स कलर बी नॉट डीप एंड इट्स स्मेल बी फेंट, मेरा जो कलर है वो डीप नहीं है यानी कि हल्का है गहरा नहीं है। इट्स स्मेल बी फेंट, इसकी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, हल्की स्ट्रॉन्ग स्मेल है। यूज दिस फ्लावर इन योर सर्विस एंड प्लक इट वाइल देयर इज टाइम, आप मेरा यूज़ करो और फ्लावर को आपकी डेली सर्विस में डेली काम में यूज़ करो एंड तोड़ के उसे अपने पास रखो उस टाइम में वरना ये टाइम निकल जाएगा। ये फ्लावर बोल रहा है, ये बात हो रही है सनफ्लावर की। सनफ्लावर जब सन जब होता है तब वो खिलता है और सन ढल जाता है तब मुरझा जाता है, तो सनफ्लावर की यहाँ पे एक बात हो रही है। नीचे एक्टिविटी 5 है, इसके आधार पे क्वेश्चन आंसर है। रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए ग्रुप, आपको ये पोएम रीड करने के एंड इसके आधार पे क्वेश्चन के आंसर देने के। विच फ्लावर डज द पोएट टॉक अबाउट, यहाँ पे पोएट जो ये फ्लावर की बात हो रही है तो कौन से फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पे। द पोएट टॉक्स अबाउट द सनफ्लावर, सनफ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक इन द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर, आप क्या सोचते हो कि पोएट का नेचर नेचर का एटीट्यूड कैसा है। द पोएट अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ नेचर, पोएट नेचर की वैल्यू समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। ही वॉन्ट्स अस टू एंजॉय नेचर एज मच एज वी कैन बिफोर इट इज टू लेट, आप नेचर को एंजॉय करो, वो चाहते हैं कि आप नेचर को एंजॉय करो वरना आप लेट हो जाओगे वरना टाइम निकल जाएगा आप एंजॉय नहीं करोगे तो। क्वेश्चन 3, व्हाट्स द कीन डिजायर ऑफ द पोएट, पोएट की क्या आशाएं हैं। द पोएट्स कीन डिजायर इज टू प्लग द सनफ्लावर बिफोर इट ड्रूप्स एट सनसेट, पोएट चाहते हैं कि आप उसे प्लग करो सनफ्लावर को, प्लग यानी कि तोड़ो, कब तोड़ना है बिफोर ड्रूप्स एट सनसेट, सनसेट हो तब वो सूख न जाए इसके पहले उस आप उसे प्लग करो यानी कि तोड़ लो। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन, नीचे जो वर्ड दिए इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। डी आर डबल ओ पी ड्रूप, ड्रूप मीन्स टू हैंग डाउन यानी कि सूख जाना, ड्रूप मीन्स सूख जाना। ड्रॉप इन टू डस्ट, फॉल डाउन ऑन द अर्थ, ड्रॉप इन टू डस्ट यानी कि तोड़ के टूट के मिट्टी में मिल जाना। ओ डबल एफ ई आर आई एन जी ऑफरिंग, ऑफरिंग मीन्स लिविंग लाइफ
यानी कि आपको ऑफर मिलता है, चांस मिलता है, लाइफ मिलती है, आप जी लो। ओके, एक्टिविटी 6, समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। आपको ये पोएम को समराइज करना है आपके वर्ड्स में, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिड यू नो रविंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो एक राइटर थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था किसमें, लिटरेचर में। कब मिला था, 1930 को। तो वो ऐसे फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, यानी कि वो हमारे एशियन थे, वो हमारे वो नॉन यूरोपियन थे, यानी कि विदाउट यूरोपियन नहीं थे, वो एशियन थे, इसलिए नॉन यूरोपियन बोलते हैं। तो वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1930 को, रविंद्रनाथ टैगोर। एक्टिविटी 7, क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, बॉय, हाउस, प्ले, सिंग, डांस, गार्डन, ब्यूटीफुल, ये वर्ड्स का यूज करके आपको एक शॉर्ट स्टोरी बनाने के लिए यहाँ पे। ओके, जरूर नहीं लेकिन आप बना सकते हो, बना देना। एक्टिविटी 8, रिकॉर्ड योर लाइक्स। आपकी जो पसंद है उसका लिस्ट बनाने का है। फेवरेट ट्री, आपको आपका जो फेवरेट ट्री है उसका नाम लिखना है। आपको नीम ट्री पसंद है तो नीम ट्री, फिर मैंगो ट्री पसंद है तो मैंगो ट्री, अशोका ट्री पसंद है तो अशोका ट्री, आप कोई भी ट्री का यहाँ पे नेम लिख सकते हो। नेक्स्ट है फेवरेट एनिमल, फेवरेट एनिमल का नाम लिखना है। तो आपको जो भी एनिमल पसंद है, एलिफेंट पसंद है तो एलिफेंट, टाइगर पसंद है तो टाइगर, लायन पसंद है तो लायन, आपको जो भी एनिमल पसंद है इसका नाम। फेवरेट फेस्टिवल, फेवरेट फेस्टिवल यानी कि त्यौहार। आपको होली पसंद है तो होली लिखना, दिवाली पसंद है तो दिवाली लिखना, उत्तरायण पसंद है तो उत्तरायण, कोई भी फेस्टिवल। फेवरेट सीजन, सीजन में समर, विंटर एंड मॉनसून, 3 सीजन्स है, इसमें से आपकी जो पसंद ज़्यादा पसंद है उन सीजन का नाम लिखना है, एक सीजन का। फेवरेट प्लेस, आपका फेवरेट प्लेस यानी कि जगह, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, तो आप जो भी है, जैसे कि आपका घर पसंद है, आपको कोई मंदिर की जगह पसंद है, कोई गार्डन पसंद है, तो उसका नाम लिख सकते हो। ओके, किसी को घर पसंद है खुद का तो माय होम वैसा भी लिख सकते हो ना। यस, एक्टिविटी 9 है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है एक टेबल दिया है, इसमें जो आप व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, वो आपको आंसर लिखना है। जैसे कि आपका नाम मन हो, माही हो, या फिर ज्योति हो, पूजा हो, तो उसका नाम लिख दे। व्हाट डज योर नेम मीन, आपका जो नेम है उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि ज्योति मेरा नाम है, तो ज्योति का मीन्स क्या होता है, उजाला होता है ना, मीन्स यस, ऐसे आपका मीनिंग लिखना है। व्हेन वेयर योर बॉर्न, आपका बॉर्न कब हुआ था, तो जैसे कि पहली जनवरी को हुआ होता है, तो फर्स्ट जनवरी 2010 वैसा भी लिख सकते हो ना। What do you like to do? आपको क्या पसंद है, तो डांस, प्ले करना, रीड स्टोरी बुक्स, वो लिख सकते हैं। What are your hobbies? आपके हॉबीज क्या है, म्यूजिक, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो आप कोई भी हॉबीज लिख सकते हो, आपके जो जो पसंद है वो। Which season do you like? आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी सीज़न, कौन सी पसंद है, जो विंटर पसंद, विंटर, समर पसंद, समर, मॉनसून पसंद, मॉनसून। टू वर्ड्स अबाउट नेचर, नेचर के बारे में 2 वर्ड्स बोलने के लिए, तो एक नेचर के बारे में, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल गिफ्ट है। फिर नेक्स्ट दूसरा है गॉड क्रिएशन, गॉड्स क्रिएशन है, ऐसा भी लिख सकते हो। फेवरेट हिल स्टेशन, आपका फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है, तो एक तो माउंट आबू हो सकता है, फिर सापुतारा हो सकता है, कोई भी नाम लिखते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर, आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, रोज है, फिर लोटस है, वो लिख देना, कोई भी फ्लावर। विच कलर्स डू यू लाइक दी, आपको सब कौन से कलर्स पसंद है, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी पसंद है वो लिख देना। विच बर्ड्स डू यू लाइक, आपको कौन सा बर्ड पसंद है, पिकॉक, पैरोट, कुकू, मैना, जो भी पसंद है लिख देना। विच इज योर होम टाउन, आपका होम टाउन कहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे फलूप है, या फिर हसनापुर है, रणछोड़पुरा है, जो ये वो लिख देना। ओके, तो ये आपको फिल करने का है।
Activity 10. Identify two paragraphs of nature and summarize the same below. इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको. Okay? तो हमारी Activity 10 से ये पूरा लेसन जो है हमारे टेक्स्ट बुक में वो कंप्लीट हो जाता है. Okay? So, thank you.